नमस्कार बंधुओं, हम रस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विगत संदर्भों में मैंने आपसे निवेदन किया था रस का परिचय और रस के प्रकार। आगे हम रस के विस्तार में जाने से पहले, जब तक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आगे बढ़ना, आगे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए आज एक बार फिर से थोड़ा सा इसको दोहरा भी लेते हैं और फिर से समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम रसों के विस्तार के बारे में बात करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। रस में विभाव, विभाव के बारे में आप देख रहे हैं, यानी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। भाव की जो उत्पत्ति है, उसका जो कारण है, उसको विभाव कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी इनके बारे में जो लिखा है कि विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। तो ये विभाव है। विभाव के भेद, विभाव के तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा आश्रय विभाव और तीसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के बारे में जाने आप, जिस प्रकार आलंबित होकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह रति आदि स्थायी भावों को आलंबन विभाव कहलाता है। ये जब हम उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आप एक बार फिर से देखें कि जिस पर आलंबित होकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह रति आदि स्थायी भावों का आलंबन विभाव कहलाता है। आइए अब देखें आश्रय विभाव। आश्रय विभाव जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागता है एवं स्थित रहता है, उसे आश्रय विभाव कहा जाता है। एक बार फिर से देखें, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागता है एवं स्थित रहता है, उसे आश्रय भाव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली अर्थात उसकी आस्वाद योग्यता बढ़ाने वाली देशकालिक परिस्थिति अथवा आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीप्त विभाव कहा जाता है। फिर से एक बार देखें दोबारा, स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली अर्थात उसकी आस्वाद योग्यता बढ़ाने वाली देशकालिक परिस्थिति अथवा आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध सा उदाहरण है, उसके माध्यम से ही आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे सीता स्वयंवर से पूर्व जनक के उद्यान में गौरी पूजन एवं पुष्प चयन के लिए आई हुई सीता को देखकर राम के मन में जो रति नामक स्थायी भाव जागा, वह सीता की अलौकिक सुंदरता को देखने से जागा है। जो उदाहरण प्रसिद्ध सा है, आप देखें और उसको बहुत आसानी से ये तीनों जो बात हैं, आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, तीनों जो बात है वो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे। जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारणु जान विधाता, फर कही सुभग अंग सुनु भ्राता। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। राम के हृदय के इस रति स्थायी भाव का आलंबन सीता है। यह रति स्थायी भाव राम के हृदय में उत्पन्न एवं स्थित है। अतः राम यहाँ रति स्थायी भाव के आश्रय हैं, अर्थात तो राम का जो हृदय है वह आश्रय है। संध्या का मनोरम समय एवं उद्यान का वातावरण आदि बाह्य देशकालिक परिस्थिति से राम के हृदय का स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। अतः संध्या का समय एवं उद्यान उद्दीपन विभाव के अंतर्गत गिने जाएंगे।
अर्थात जो वातावरण है वह जो है वह उद्दीपन विभाव है। लता की आड़ के कारण राम लक्ष्मण के दिखाई न पड़ने पर सीता द्वारा उन्हें देखने की चेष्टा करना भी राम में स्थित रति स्थाई भाव कहा जाता है। अतः सीता आलंबन की चेष्टा ने उद्दीपन कही जाएगी। इस प्रकार उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन के शारीरिक चेष्टाएं, आलंबन से विभिन्न प्राकृतिक दृश्य, ऋतु, एकांत, नदी का तट, देशकालिक बाहरिक प्रस्तुतियाँ। तो आपने इसमें देखा कि आलंबन जो है वह सीता है, राम का हृदय आश्रय है, और वह जो सुंदर वाटिका है, मनोरम दृश्य है, जो मन में अधिक भाव को जगा रहा है, वह उद्दीपन विभाव है। तो इस प्रकार आपने ये समझा, आलंबन विभाव, आश्रय विभाव और उद्दीपन विभाव। अब इसमें ये देखें कि अनुभाव क्या है। अनुभाव को जानने के लिए आप देखें, आश्रय के हृदय में स्थित स्थाई भाव का ज्ञान उसके जिन शारीरिक चेष्टाओं या वचनों से होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे सीता की शोभा को देखकर लक्ष्मण से कहे गए राम के ये वचन कि उसकी शोभा की सराहना के लिए मुझे तो उपयुक्त शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनके होठ फरक रहे हैं। तो देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। सीता की सुंदरता को देख करके हृदय सराहना करता है, पर उस सराहना के उपयुक्त जो शब्द है वो नहीं व्यक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखें अनुभाव के भेद के बारे में, अनुभाव के चार भेद माने जाते हैं, कायिक काया के अनुसार, और वाचिक वाच शब्द के अनुसार, आहार्य, और चौथा जो भेद माना जाता है सात्विक। सबसे पहले आप देखें कायिक अनुभाव के संदर्भ में, कायिक के बारे में कि आश्रय चाहे वह प्रेमी हो या प्रेमिका की कटाक्ष आदि कृत्रिम शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहेंगे। जैसे बहुरी बदन विधु अचल ढांकी, प्रियतम चितय भंह कर बाकी। यहाँ खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहे वो तिनही सिया सैननी। संकेतों से कहना, ग्राम वधुओं के प्रश्न के उत्तर में सीता द्वारा अपने मुख को आंचल से ढककर बहें टिड़ीकर प्रियतम राम की ओर देखना, सीता आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं हैं जो राम आलंबन के प्रति उसके हृदय स्थित प्रेम रति स्थाई भाव को ज्ञान कराती है। अतः ये कायिक अनुभव है, यानी शारीरिक चेष्टाओं से जो व्यक्त किया जाता है वह कायिक होगा। इसके बाद दूसरे संदर्भों के अंतर्गत देखें वाचिक अनुभाव, आश्रय की वाणी द्वारा अभिव्यक्ति को वाचिक अनुभाव कहते हैं। जैसे सो सब कारण जान विधाता, फर्क ही सुभग अंग सुन भ्राता। इसमें शब्दों के माध्यम से अनुभाव की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभव कृत्रिम वेश रचना का आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे प्रियतम से मिलने की उमंग से कोई प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा आदि से अपने को सजाती है, उस वेशभूषा रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे काक पक्ष सिर सोहत नीके गुच्छ बिच्छ बिच्छ कुसुम कली के। तो विशेष वेश रचना, विशेष वस्त्र आभूषण, विशेष स्तुतियों, उनको हम आहार्य अनुभाव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत सात्विक अनुभाव के भी आठ प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला माना जाता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब है अंग जड़वत हो जाना, और दूसरा माना जाता है स्वेद यानी पसीना आ जाना, तीसरा रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, चौथा स्वरभंग यानी आवाज़ न निकलना या टूटना, कुछ फूल जाना, और पांचवा वेपुत यानी कांपना,
और छठा वैवर्ण यानी मुख पीला पड़ जाना, रंग उड़ जाना, और सातवां अश्रु यानी आँखों में आंसू आ जाना, और आठवां प्रलय अचेत हो जाने पर मूर्छित हो जाने की स्थिति में है। ये सात्विक अनुभव हैं, और सात्विक अनुभव के बारे में आप समझें एक प्रकार से उदाहरण के माध्यम से, कुछ उदाहरण हैं उससे आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से सात्विक अनुभवों की अभिव्यक्ति है। स्तंभ में जड़वत हो जाना, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नक्की परछाई, याते सबई सुधी भूली गई करटी के करटे की रही पल तारत नाही। ये स्तंभ के अंतर्गत है। स्वेद, स्वेद के अंतर्गत पसीना आना, झलकी भरी भाल कने जलकी, तो ये पसीना आ गया है। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और तीसरा रोमांच, रोमांच के अंतर्गत आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाना, पुने पुने प्रभु चितव नर नारू पुलक गात और अधिक उछाहू। चौथा स्वर भंग की स्थिति है, आवाज़ न निकलना, सीता और न बोल सकी गदगद कंठ न खोल सकी, ये स्वर भंग के उदाहरण हैं। कंप कांपना नयन सजल थर थर कांपी, माजही खाई मीन जल मापी। वैवर्ण यानी मुख पूला पीला हो जाना, मुख पीले हो जाने पर जैसे विवरण भयऊ निपट नरपालू दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। सातवां माना जाता है अश्रु, आंसू आ जाना, तो राम ही चितई रहऊ नर नाऊ बला विलोचन चला विलोचन बारी प्रवाहु। तो राम ही चितई रहु नर नारू चला विलोचन बारी प्रवाहु, ये अश्रु आंसू जब राम चलते हैं अलग होते हैं तो ये आंसू आ जाते हैं। और प्रलय यानी मूर्छित अवस्था, अस कही मूर्छि परऊ मही राऊ राम लखन हसी आन दिखाओ। तो इस प्रकार आज आपने सात्विक अनुभव के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, आपने ध्यान दिया, आपने समझा। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास सार्थक होगा यदि इनमें से आपको कुछ भी समझ में आया, और आपने समय दिया, ध्यान दिया, आपका रुझान अच्छा मिल रहा है। फिर भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रण है। धन्यवाद।